नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक पहेली सुनाऊं? नहीं, मैं पहेली पर सुनाने वाला नहीं हूं। इस वीडियो में मैं आपको वास्तव में तीन शब्द एडजेक्शन, एब्जेक्शन और सबसम का मीन समझाने वाला हूं, वो भी फिगर की सहायता से। तो यदि आप इन शब्दों में रुचि रखते हैं तो दो चार मिनट के लिए आप ठहर जाइए, नहीं तो भाई साहब प्रणाम, आप आगे बढ़ जाइए। तो अभी तक आप रुके हैं मतलब आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है एडजेक्शन। ध्यान रखिएगा ये डी है, थोड़ा मुंह बदल के बी हो गया, बस हो गया एडजेक्शन। इस चीजों का क्या रखना है, तो क्या है एडजेक्शन बारी बारी से समझते हैं। देखिए ना, आपकी त्वचा पर मैल चिपकता है तो मैल के त्वचा के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो त्वचा पर रहता है, त्वचा पर ही रहता है ना। आप दौड़ के गए और किसी तालाब में छलांग लगा दिया तो पानी से आपका पूरा बदन भीग गया, गीला हो गया, क्या लगता है पानी त्वचा के अंदर घुस तक घुस गया एकदम नहीं, वो कहां रह गया, त्वचा पर ही रह गया। होली है, दिवाली है, किसी ने रंग फेंका आपको पूरा रंग से एकदम लाल कर दिया, ब्लू कर दिया, नीला, मुझे पता नहीं कौन कौन सा रंग आप पर फेंक डाला। अब बताओ मेरे भाई कि रंग क्या तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया कि क्यों त्वचा पर ही चिपका रहा, किसी ने गालों पे लगाया गुलाब और क्यों अंदर चला गया, नहीं ना। तो ये है एडजेक्शन। एडजेक्शन एक फिनोमेना है, एक घटना है, इसमें किसी सॉलिड या लिक्विड बॉडी पर जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं वो जाकर के उसके सरफेस पर एकत्रित हो जाते हैं, एक्युमुलेट होते हैं सरफेस, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जरा ध्यान से देखिए, ये कोई बॉडी है, कोई हमने एक सॉलिड या लिक्विड लिया, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए सॉलिड है, ये बाहरी पार्टिकल्स है, कहां जाके इकट्ठे हो गए, उसके बाहरी सरफेस पर, तो बाहरी सरफेस पर ही इकट्ठा हुआ, अंदर नहीं प्रवेश कर सक रहा, तब इसी को कहा जाता है एडजेक्शन। ये एडजेक्शन का फिनोमेना है, मतलब कहां हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है, बाहरी कण आया सरफेस पर चिपका और सरफेस पर ही रह गया, अंदर कोशिश तो करता रहा घुस जाए लेकिन न घुस सका, तब उसको कहते हैं एडजेक्शन। मतलब आप यूं समझिए कि कोई भी जैसे बोट है, बोट पे हमने चौक लगाया, यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, तो चौक की तो कोशिश है बोट के अंदर तक घुस जाए लेकिन घुस पाया बेचारा, ये एडजेक्शन है मेरे भाई, इसी को तो एडजेक्शन कहते हैं। तो ये हो गया एडजेक्शन, ये सरफेस फिनोमेना है। अब आइए ये वाला फिगर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हुआ कि पानी, सॉरी पानी बोले, कोई भी जो बाहरी कण है वो गया और वस्तु के अंदर तक प्रवेश कर गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने रुई लिया और पानी में डाल दिया, बताइए पानी के ऊपरी सतह, जो रुई के ऊपरी सतह पर पानी रह गया या रुई के अंदर तक प्रवेश कर गया, तो आप कहेंगे कि अंदर तक प्रवेश कर गया। मेरे हाथ में चौक है, इसको पानी में डाल दें तो क्या लगता है, केवल इस ऊपरी सतह पर, यहां पर एक थोड़ा बड़ा हुआ देखें, क्या केवल ऊपरी सतह पर ही पानी रहेगा कि अंदर जाएगा, ऑब्वियसली एकदम स्पष्ट रूप से पानी अंदर तक जाएगा, इसको तोड़ के देखेंगे तो अंदर वाला हिस्सा भी गीला है, तो ऊपरी सतह से होता हुआ कहां चला गया, अगर अंदर चला जाए कोई कण कोई बाहरी वस्तु तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर ये पेन है, इस पेन को अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी अंदर जाएगा कि ऊपरी सतह पर रहेगा, ऊपरी सतह पर रहेगा, तो इसका हो गया एडजेक्शन। और इस चौक पे डाल दें इसको पानी में तो पानी का हो गया एडजेक्शन। तो बाहरी कण जो होते हैं सतह से होते हुए अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं तो हो जाता है एडजेक्शन। अब आता है सर्पशन, इसमें क्या होता है एडजेक्शन, पहले ये इसमें लिख देते हैं, ये बड़ा है एडजेक्शन है, एडजेक्शन। अब ये क्या है तो जरा देखिए, बाहरी यहां पर भी एक, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है और ये अंदर भी चला गया, तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ कि बाहर इकट्ठा हो जाना ये तो एडजेक्शन हो गया, अंदर जाना एडजेक्शन हो गया, तो दोनों घटनाएं हो गई। तो इसमें क्या हो गया, एडजेक्शन हो गया और प्लस में एब्जॉर्प्शन हो गया, प्लस एब्जॉर्प्शन। तो जब दोनों घटनाएं एक साथ हो जाए दोस्त तो इसी को कहते हैं सर्पशन। तो जिसमें बाहरी सतह पर भी कण रुक जाए और अंदर तक प्रवेश कर जाए तो समझ लीजिएगा उसको क्या कहते हैं, सर्पशन। एग्जाम्पल लीजिए, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें से थोड़ा पी जाइए मन करे तो, उसमें रंग डालिए, मजाक कर रहा हूं, रंग डालिए, कोई कलर डालिए, लाल डालिए, फिर उसको इस चौक को उस पानी में डालिए, चौक को डालकर कुछ देर छोड़िए, निकालिए, अगर रेड कलर था तो पूरा लाल हो गया,
लेकिन अब क्या इसको तोड़ के देखिए, अंदर में क्या ये कलर गया है? नहीं, कलर अंदर नहीं प्रवेश किया, केवल बाहरी सतह पर आ गया, लेकिन अंदर में पानी प्रवेश कर गया। इसका मतलब कि जो रंग है उसका तो एब्जॉर्प्शन हो गया और पानी का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। तो दोनों घटनाएं यहां पर हो गई। तो उसी तरह से क्या होता है, ये सर्प्शन है। सर्प्शन में क्या होता है कि एडजर्प्शन और एब्जर्प्शन दोनों घटनाएं हो जाती हैं, मतलब बाहर भी कण इकट्ठा भी होगा और अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या कहते हैं? सर्प्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो हार्ट है उस हार्ट पे कोई आया और बाहरी सतह पर ही रुक गया, मतलब आपने दिल में जगह नहीं दी, बस दिल के दीवार पे बाहरी आपने बंद कर रखा, तो कहेंगे भाई उनका आपने एडजर्प्शन किया हुआ है और आपने पूरे दिल में जगह दे दी, एकदम संवा लिया दिल में, तो समझ लीजिए कि उसका क्या हो गया? एडजर्प्शन हो गया। और कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि थोड़ी दुनिया बना के रखते हैं, बाहर भी इकट्ठा रखते हैं, बाहर भी रोके रखते हैं, जरूरत के हिसाब से अंदर भी जाने देते हैं, तो ये हो जाता है सर्प्शन। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं कि देखिए ये सरफेस फेनोमेना है, ये पूरे बल्क में घटने वाली घटना है, मतलब पूरे पदार्थ में होती है। तो एडजर्प्शन में बाहरी कण सतह पर रुक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते, सतह पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। यहां पर क्या होता है कि जो बाहरी कण आते हैं सतह से होते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं, चारों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो बाहरी पार्टिकल्स का, उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहता है और इसमें बाहरी जो कण होते हैं सतह पर इकट्ठे भी होते हैं, मतलब एडजर्प्शन भी होता है और अंदर भी चले जाते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है। दोस्त दो बातें और आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही मजा आएगा। देखिए ये जो बाहरी कण है ना, ये सब कण, इसको मैं इस कलर से लिख रहा हूं, ये जो बाहरी कण है इन कणों को कहा जाता है एडजर्बेट, और ये जो सतह है सरफेस, जिस सरफेस पर आके चिपक रहे हैं इस सरफेस को कहा जाता है एडजर्बेंट। तो इस तरह से हमने पांच शब्द जाने, एक और हो गया शब्द, हो गया एडजर्बेंट, और एक शब्द और हमने जाना एडजर्बेंट। ये जो है सरफेस का नाम है, सॉरी ये पार्टिकल्स का नाम है, ये पार्टिकल्स है और ये होता है सरफेस होता है। इस तरह से हमने सीखा इस वीडियो में, खूबसूरत से वीडियो में, एडजर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, सर्प्शन क्या है, और साथ ही साथ हमें यह भी जाना कि जो बाहरी कण है उन बाहरी कणों को जो सतह पर रुक जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, मतलब कोई बाहर से आया दिल पर दस्तक दे रहा है, तो जो व्यक्ति है जो बाहर से दस्तक दे रहा है दिल में, वो है एडजर्बेट है, और जो आपका दिल है जिसमें वो प्रवेश कर जाना चाहता है, अब दरवाजा बंद करके रखे, खोलना भी है, उस दरवाजा उसको कहते हैं हम लोग, वो जो सरफेस है वो है एडजर्बेंट कहलाता है। तो इस तरह से पांच शब्द है, मुझे यकीन है आपको समझ आया होगा। फिर भेंट होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।